चैप्टर नंबर थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसके बारे में बातें होने वाली हैं? कोऑर्डिनेट्स के बारे में, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम समझ लें कि कोऑर्डिनेट्स हैं क्या। ओके, कोऑर्डिनेट्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको याद करना पड़ेगा जब आपने छोटी क्लासों में कहीं पर नंबर लाइन पढ़ना स्टार्ट की थी। आपने ऐसी एक लाइन लिखी है, ये जो प्यारे बच्चों लाइन बनी हुई है ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। कैसी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसी बनाई है। और ये जो मैंने लाइन खींची है ये कैसी लाइन है? एक वर्टिकल लाइन। अभी तक तो ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन अगर मैंने इन लाइन पर नंबर को मार्क कर दिया लाइक ऐसे 0, 1, 2, 3 या इधर -1, -2, -3 तो अब ये लाइन क्या बन जाएंगी? क्या कहेंगे हम इसे? क्या है ये? नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन सभी बच्चों ने पढ़ी है छोटी क्लासों में, नंबर लाइन हमने देखी है। तो ये वाली भी एक नंबर लाइन है। अच्छा, ये भी एक नंबर लाइन है, इसको भी हम नंबर लाइन बना सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख लें हम? यहाँ पर मान लो हमने लिख लिया 0, 1, 2, 3, ठीक है। और सिमिलरली इधर भी मान लो लिख दिया -1, -2, ये इक्वल डिस्टेंस पर हमने मार्क किए हुए हैं, ठीक है। ओके, अब ये दो लाइन है आपके पास, एक लाइन है हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक है वर्टिकल नंबर लाइन। अगर इन दोनों नंबर लाइन को मैं एक साथ रख दूं कहीं पर ले जाकर, ठीक है, मतलब मैं इस लाइन को उठाऊं और उठाकर यहां पर लेकर आ जाऊं, ठीक, तब देखना क्या होगा। तो आंसर है, तब उस केस में यहां पर ऐसा दिखाई देगा, ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, ठीक, और इस लाइन को पकड़कर अगर यहां लेकर आओगे तो ये ऐसा आ जाएगा। और जब मैं यहां पर इसको रखूंगा, इस वाली लाइन को इसके ऊपर ले जाकर रखूंगा, तो मैं इस वाले जीरो को इस वाले जीरो से कोइंसाइड करा दूंगा, ठीक। तो यहां पर क्या आ गया बोलो? जीरो। क्या आ गया? जीरो आ गया। और इस जीरो के इधर हॉरिजॉन्टल वाली लाइन पर क्या क्या लिखा हुआ है बोलो? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, ऐसे चल रहा है। और इधर क्या चल रहा है बोलो? -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, ये वाली जब आपने लाइन पकड़कर यहां इसके ऊपर रखी है तो ये वाला जीरो तो यहां आ गया। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? 1, 2, 3, 4 एटसेट्रा, ठीक, ऐसे नंबर चलते जा रहे हैं, ठीक। और जीरो से नीचे क्या लिखा हुआ है बताइए? तो आंसर है -1, -2, है ना, और भी नंबर इस तरह से रहे होंगे -3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। अब देखो, यहीं से स्टार्ट होता है ये चैप्टर। जब आपने इस हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को के ऊपर इस वर्टिकल वाली लाइन को रखा तो इन दोनों ने एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। क्या किया? एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। देखो, ये वो पॉइंट है जहां पर इन दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। कर रही हैं इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट, है ना? ये जो पॉइंट है जहां पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उस पॉइंट का हमने नाम रखा है क्या? ऑरिजिन। क्या नाम रखा है? ऑरिजिन। समझ आ गई बात? हॉरिजॉन्टल वाली लाइन और वर्टिकल वाली लाइन एक दूसरे को कहां पर इंटरसेक्ट करती हैं? ऑरिजिन पर, ठीक है। अब बार बार मैं इसको ऐसा ना कहकर के हॉरिजॉन्टल वाली नंबर लाइन, वर्टिकल वाली नंबर लाइन ना कहकर मैंने इनका एक नाम रख दिया। मैंने कहा जब भी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होगी उसका नाम रखा जाएगा एक्स एक्सिस। क्या नाम रखा जाएगा? एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब इस एक्स एक्सिस को भी हमने, ये पूरी लाइन क्या है? एक्स एक्सिस है, लेकिन इस एक्स एक्सिस के अंदर भी हमने कुछ और पर्टिकुलर यहां पर डेफिनेशन बना दी। क्या? कि इधर नेगेटिव, इधर की तरफ नेगेटिव नंबर लिखे हुए हैं, इधर की तरफ कैसे लिखे हुए हैं? पॉजिटिव नंबर। तो हमने क्या कहा कि इधर की साइड में ये वाली जो एक्स एक्सिस है इसको हम कहेंगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्या कहेंगे? ये वाली पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ठीक है। और इधर की तरफ हमने कहा अच्छा नेगेटिव नंबर लिखे हुए हैं तो हम इनका क्या नाम रखेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इधर हमने माइनस एक्स बना दिया और इधर एक्स बना दिया। समझ आ गई बात आपको? ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली लाइन का क्या नाम होता है? तो आंसर है एक्स एक्सिस। क्या नाम होता है? एक्स एक्सिस। और इस पूरी एक्सिस को अगर आप पढ़ोगे
तो कई बार हम क्या करते हैं, यहाँ पर नेगेटिव ना यूज करके एक्स डैश भी यूज करते हैं। क्या नाम क्या यूज करते हैं? एक्स डैश। ठीक है, तो इस पूरी लाइन का क्या नाम लिखोगे? एक्स ओ और एक्स डैश। क्या पढ़ोगे इसे? एक्स ओ और एक्स डैश, एक्स ओ और एक्स डैश। ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। कौन सी है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस का क्या नाम होता है बताइए? एक्स एक्सिस। समझ आ गई बात? इसी तरह से हमने इसको वर्टिकल नंबर लाइन ना कहकर हमने क्या कहना स्टार्ट कर दिया? वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, जिसमें से ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, तो इसलिए हमने कहा ये ऊपर की तरफ होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस और नीचे की तरफ होगा क्या? नेगेटिव वाई एक्सिस। इसको हमने नेगेटिव न से ना दिखाकर कई बार हम क्या करते हैं, इसको डैश से दिखाते हैं। डैश लगा देंगे, आप समझ लेना नेगेटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है। ठीक है, तो इस वाई एक्सिस को अगर आप रिप्रेजेंट करोगे, इस वर्टिकल एक्सिस को, वर्टिकल वर्टिकल वाली जो लाइन है या वर्टिकल वाली जो एक्सिस है, इसका नाम क्या है? तो आंसर वाई ओ वाई डैश, वाई ओ वाई डैश। और इसे हम शॉर्ट में क्या कहते हैं बोलो? वाई एक्सिस। ठीक है, फिर से एक क्वेश्चन बताइए, हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कौन सी एक्सिस कहते हैं? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का क्या नाम है? ऑरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का क्या नाम है? ऑरिजिन। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, जब मैंने सिर्फ ये वाली लाइन बनाई थी, ध्यान से देखना, सिर्फ ये वाली लाइन, ये वाली जब हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई थी, तो ये इस वाली लाइन को, इस वाले बोर्ड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रही थी? तो आंसर सर दो पार्ट में, एक पार्ट इसके ऊपर था और एक पार्ट इसके नीचे था। ठीक, समझ आ रही है बात? जब मैंने सिर्फ एक ऐसी लाइन बना दूं बोर्ड पर, तो ये बोर्ड कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? टू, एक ऊपर है और एक नीचे है। ठीक है, ये जो बोर्ड है ये पूरा फुल बोर्ड है, एक इसका ऊपर एक पार्ट है, अपर हाफ कहेंगे हम उसको। क्या है ये? एक अपर हाफ। और ये क्या है? लोअर हाफ। इसी तरह से अगर मान लो बच्चों मैं इस लाइन की जगह मैं ऐसी लाइन बना दूं, ठीक, तब आप कहोगे ये बोर्ड फिर से दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, एक है इसका कौन सा वाला साइड? राइट साइड, और एक कौन सा है? लेफ्ट साइड। लेकिन अगर मान लो ये दोनों लाइनें एक साथ एक दूसरे के साथ रख दी जाएं, तब ये बोर्ड कितने पार्ट में डिवाइड हो जाएगा? फोर पार्ट में, 1 2 3 4। समझ आ गई बात? कितने पार्ट में डिवाइड हो गया? फोर पार्ट में। और यहां पर ये जो फोर पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसमें से जो ईच पार्ट है, ईच पार्ट का नाम हमने रखा है क्वाड्रेंट। क्या नाम रखा है? क्वाड्रेंट। इस बोर्ड पर देखकर बताओ यहां पर कितने क्वाड्रेंट हैं? तो आंसर सर एक क्वाड्रेंट ये है, ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, ये भी क्या है सर? एक क्वाड्रेंट है ना, ये भी क्या है? एक क्वाड्रेंट है। ठीक है, और ये भी क्या है? एक क्वाड्रेंट। कितने क्वाड्रेंट हो गए बताइए? फोर। ठीक है, तो जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एक साथ रखा जाता है, तो वो एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, उसका नाम है ओरिजिन। और जैसे ही उनको एक साथ रखा जाता है, वो उस प्लेन को, ये क्या है? एक प्लेन। इस प्लेन को कितने डिवाइड पार्ट में डिवाइड कर देती हैं? फोर डिवाइड में, एंड ईच पार्ट इज नोन एज क्वाड्रेंट। ठीक है, इसमें से हमने ये वाला जो क्वाड्रेंट है, हमने यहां से पढ़ना स्टार्ट किया है, इसमें से इस क्वाड्रेंट का नाम हमने रखा है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसके बाद हम इस क्वाड्रेंट पे आते हैं, इसका नाम हमने क्या रखा है? सेकंड क्वाड्रेंट। इसका नाम हमने क्या रखा है? थर्ड। और इसके बाद हमने फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, इतनी बात आपको आ रही है समझ में? क्वाड्रेंट समझ में आ गया। ठीक है, अब बच्चों एक चीज बताइए, यहां पर ये जो क्वाड्रेंट है, इन क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट में अगर कोई भी हम पॉइंट बनाए, तो वो किसको दिखाएगा?
मतलब हम ये जो सब बना रहे हैं, ये सब जो आपने सर बनाया है, क्वाड्रेंट बना दिए, एक्सिस बना दी, ये बना दी, ये सब क्या है? तो आंसर है, ये एक सिस्टम है। क्या है? एक सिस्टम। इस सिस्टम का नाम है कार्टेशियन सिस्टम। क्या नाम है? कार्टेशियन सिस्टम। यहां लिख देता हूं, ये एक सिस्टम है जिसका नाम है कार्टेशियन सिस्टम। ये वो सिस्टम है मैथमेटिक्स में, कार्टेशियन सिस्टम वो मैथमेटिक्स में वो सिस्टम है जिसको हम लोग यूज करते हैं किसी भी लोकेशन को लोकेट करने के लिए। ठीक है, किसी भी आपको एड्रेस को दिखाना है तो उसको लोकेट करने के लिए हम क्या करते हैं, किसको यूज करते हैं? कार्टेशियन सिस्टम। अगर कोई आपसे पूछे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, तो आप कहोगे कार्टेशियन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हम किसको यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और कोऑर्डिनेट्स। किसको यूज करते हैं? कोऑर्डिनेट्स। अब सवाल है सर ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये हमने बना दी एक्स एक्सिस, ये हमने बना दी वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी कहां पर? ओरिजिन पर, ओ या जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ठीक है, अब यहां पर 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर रहे होंगे। ऊपर हम जानते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो ऊपर पॉजिटिव नंबर रहे होंगे। ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, यहां पर नेगेटिव नंबर रहे होंगे। ठीक है, और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो यहां पर नेगेटिव नंबर रहे होंगे। अब हमने जैसा अभी डिस्कस किया कि कार्टेशियन सिस्टम का यूज करते हैं किसी भी एड्रेस को लोकेट करने के लिए। तो मान लो, सपोज करो हमें अपनी क्लास का लोकेशन बताना है। ठीक है, कहां से बताएंगे? तो आंसर है, हम हमेशा रेफरेंस लेकर चलेंगे ओरिजिन को। हम हमेशा कहां से बताएंगे? ओरिजिन। मान लो आप कहीं भी खड़े हुए हो, आप उसी जगह को क्या मान लोगे? ओरिजिन। समझ आ गई बात? तो आप यहां खड़े हुए हो, ठीक है, और मान लो आपकी जो क्लास है वो यहां पर कहीं है, यहां पर आप खड़े कहां पर हो? यहां पर, और आपकी क्लास यहां पर है। तो अब आपको क्या करना है? इसका एड्रेस बताना है। अब इसका एड्रेस देखना, आप कैसे बताओगे? जिसको भी आपको बताना है एड्रेस, उसको दो चीजें बतानी पड़ेंगी, क्योंकि हम दो एक्सिस को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और ये पॉइंट भी दो एक्सिस के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें दो चीजें बतानी पड़ेंगी। एक तो उसे ये बताना पड़ेगा कि उसे हॉरिजॉन्टल कितना चलना है, यानी एक्स एक्सिस पर कितना चलना है, और उसे एक ये बताना पड़ेगा कि उसे वर्टिकल कितना चलना है, यानी कि वाई एक्सिस पर कितना चलना है। समझ आ रही बात आपको? तो अगर मान लो आपको इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल चलना है। ध्यान रखना, कैसा चलना है? हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जब आप चलोगे, तो ध्यान दो, ये वाली जो एक्सिस है वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितना दूर है? तो आंसर है 4। कितना? 4। अरे यहां से देख लो, ये वाले पॉइंट से ये कितना दूर है? 4। तो ये जो 4 डिस्टेंस है, ये 4 डिस्टेंस किससे है? एक्स एक्सिस से नहीं, किससे? वाई एक्सिस से। ये कितनी डिस्टेंस पर है? 4। समझ आ गई बात आपको? ओके, तो आपने यहां पर 4 चल लिया। ओके, देखो ये चला, यहां पहुंचे। लेकिन आप जैसे आप 4 चले, तो आप कहां पहुंच गए? यहां पर। लेकिन यहां थोड़ी है क्लास हमारी, हमारी क्लास तो यहां पर है। तो पहले आप 4 चल चुके हैं, अब आपको एक उसी एड्रेस में एक चीज और चलनी है। क्या? ऐसा वर्टिकल चलना है। कितना? 3। कितना चलना है? वर्टिकली 3 चलना है आपको। यहां पहुंच गए आप, अब आप क्लास पर पहुंच चुके। तो आपने दो चीजें चली, एक तो आपने एक्स एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस चली, और एक आपने वाई एक्सिस पर कुछ डिस्टेंस चली। ये दो डिस्टेंस आपको चलनी पड़ेंगी, तब आप इस पॉइंट पर पहुंचोगे। ये बात आ रही है आपको समझ में? अब इसमें से जो एक्स एक्सिस पर जो आपने डिस्टेंस चली, उस डिस्टेंस का नाम होता है एब्सिसा। क्या नाम होता है? एब्सिसा। ठीक है, यहां पर एब्सिसा की वैल्यू कितनी थी? 4। और जो आपने वाई एक्सिस में जो चला, उसका नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या नाम होता है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट बताओ यहां पर कितना था? 3। जो वाई की वैल्यू होती है वो ऑर्डिनेट होती है, जो एक्स की वैल्यू होती है वो क्या होती है? एब्सिसा। और ये दोनों मिलाकर
जो यहां पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये कंप्लीट एड्रेस, ये जो कंप्लीट एड्रेस है इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। ठीक है, बात आ गई आपको समझ में? अच्छा, इसमें हमने एक रूल भी बनाया है। रूल हमने ये बनाया है कि जब भी हम किसी को एड्रेस बताएंगे तो उसमें ऑलवेज पहले हम कौन सी वाली डिस्टेंस बताएंगे, एक्स की वैल्यू को। ठीक है, तो ऑलवेज जब कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ऑलवेज जब कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो पहले किसकी वैल्यू, एक्स की वैल्यू रहेगी ऑलवेज, और फिर किसकी वैल्यू रहेगी, वाई की। इसमें से जो एक्स की वैल्यू है वो हमारा क्या है, बोलो, एब्सिसा। वाई क्या है वहां पर, बोलो, ऑर्डिनेट। समझ आ गई बात? ओके, नाउ मैं बोर्ड पर एक कोऑर्डिनेट लिखूंगा और आपको बताना है कि उसमें ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है। ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, ऑर्डिनेट कौन सा वाला होता है? तो आंसर सर, ये आपने बोर्ड पर जो लिखा है ये है कोऑर्डिनेट। क्या लिखा है? कोऑर्डिनेट। इसमें कोऑर्डिनेट में से पहला वाला कौन है, एक्स, दूसरा कौन है, है ना, पहले वाली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करती है, दूसरी वाली वाई को। तो पहला वाला ऑलवेज एब्सिसा होता है और दूसरा वाला ऑर्डिनेट। समझ आ रही है बात आपको? ठीक, तो यहां पर ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हुई, -2, और एब्सिसा की वैल्यू कितनी हुई, 4। ठीक है, क्लियर है ये बात आपको? ठीक, ओके। नाउ अब मैं आपसे एक दूसरी बात करता हूं, ध्यान दो। मान लो बच्चों आपको एक और, मैं आपको ना एक एड्रेस दूंगा, ठीक है, और उस एड्रेस को आप लोग क्या करोगे, उस एड्रेस से आपको क्या बताना है, क्वाड्रेंट बताना है। क्या बताना है? कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो क्वाड्रेंट में लाई करने के लिए कुछ शर्त हैं। देखो, बहुत सिंपल सी शर्त हैं। क्या, कि ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। अब इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर x की वैल्यू सारी पॉजिटिव है, y की वैल्यू सारी पॉजिटिव है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो कोऑर्डिनेट रहे होंगे उसमें दोनों नंबर कैसे रहे होंगे, पॉजिटिव। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें सेकंड क्वाड्रेंट की, तो सेकंड क्वाड्रेंट के केस में x की वैल्यू पहले लिखी जाती है, ऑलवेज पहले लिखेंगे, तो x की वैल्यू कैसी है, और y की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट होगा उसमें जब नेगेटिव पहले होगा और दूसरा वाला पॉजिटिव होगा तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, थर्ड क्वाड्रेंट में देख रहे हैं एक्स भी सारा नेगेटिव, वाई भी सारा नेगेटिव, तो उसके कोऑर्डिनेट कैसे दिखाई देते होंगे, तो आंसर है दोनों नेगेटिव दिखाई देते होंगे। एब्सिसा भी नेगेटिव और ऑर्डिनेट भी नेगेटिव, एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कैसा है, पॉजिटिव, वाई कैसा है, नेगेटिव, तो ये साइन हो गए उनके। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन हो गया इसका। तो अगर मान लो मैं बोर्ड पर आपको एक नंबर लिख कर दूं -2 और 3, और मैं आपसे कहूं कि आप बताइए कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आप कैसे पहचानोगे, तो आप देखोगे कि अच्छा x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और y की, x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो, कौन सा क्वाड्रेंट, सेकंड, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। समझ आ गई बात? एक बार फिर से मान लो अगर कभी ऐसा हो जाए, यहां आ गया -2 और -1, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो हमने देखा दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव कहां आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। नो प्रॉब्लम, आसानी से देख पा रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मान लो मैंने आपको कोऑर्डिनेट दिए ये 0 और 3, अब आपको चेक करके बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट पर लाई करेगा। तो 0 और 3, अब 0 और 3 को अगर आप देखो, तो अगर हमें इसे नंबर लाइन पर चलना हो तो देखना कैसे चलेंगे। तो आंसर है 0 3 चलने के लिए, 0 3 ये जो कोऑर्डिनेट दिया हुआ है इसको अगर हमें प्लॉट करूं, इस एड्रेस पे अगर मुझे पहुंचना हो तो मैं कैसे पहुंचूंगा, तो आंसर है मुझे एक्स पर वैल्यू चलनी है कितनी, तो मैं यहां पर एक्स वाली एक्सिस पर कितनी जीरो, कितनी डिस्टेंस चलूंगा, चल चुका,
जीरो का मतलब यहीं पर रहना है मुझे, कहीं जाना ही नहीं है, और फिर उसके बाद मुझे कितना चलना है, थ्री। तो मैं यहां पर चलूंगा फिर ऐसे, कहां पहुंच जाऊंगा, यहां पर। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये किसको दिखाएगा, जीरो एंड थ्री को दिखाएगा। तो अब ये पॉइंट कहां लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कि सेकंड क्वाड्रेंट में? तो आंसर है ना तो फर्स्ट में ना सेकंड में। दिस पॉइंट लाई ऑन वाई एक्सिस, कहां पर, वाई एक्सिस। और अगर आप और भी स्पेसिफिक आंसर देना चाहते हो तो आप कह सकते हो पॉजिटिव वाई एक्सिस। समझ आ गई बात, क्लियर है बात? तो ये पॉइंट जो है इसका आंसर आएगा ऑन वाई एक्सिस, क्लियर बात? ठीक, फिर से मान लो मैंने आपको एक पॉइंट दिया, मैंने आपको बोला कि बताइए फोर और जीरो ये कहां लाई करेगा, फोर और जीरो। तो ये जो कोऑर्डिनेट है इसको सबसे पहले तो आप लोकेट करो, चलना स्टार्ट करो पहले इस पे। तो आंसर है कि सबसे पहले मुझे एक्स पर चलना है, कितना, कहां से चलना स्टार्ट करते हैं ऑलवेज, ओरिजिन से, कहां से, तो अब देखो चलो यहां से चले फोर, यहां से ऐसे चले फोर, यहां आ गए, ठीक है। अब आपने मुझे नेक्स्ट चीज क्या दोगे, अब आप मुझसे कहोगे कि वाई एक्सिस पर चलो, तो मैंने आपसे पूछा बताओ कितना चलूं वाई एक्सिस पर, तो आपने कहा जीरो। तो जब आपने कहा वाई एक्सिस पर जीरो चलो, इसका मतलब आप कह रहे हो मत चलो, यही तो मीनिंग हुआ, मत चलो। तो अगर मैं कहीं भी ना जाऊं तो मैं यहीं रह जाऊंगा, और जब मैं यहीं रह गया तो मैं कौन सी वाली एक्सिस पर रह गया, एक्स एक्सिस पर। तो ये यानी कि ये वाला पॉइंट किसको दिखाएगा, फोर और जीरो को, और ये पॉइंट कहां पर लाई कर रहा होगा, एक्स एक्सिस पर। ठीक, अब आप एक बात सोचो ध्यान से, जब भी वाई की वैल्यू जीरो होगी यानी ऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होगी, वो पॉइंट कहां लाई कर रहा होगा, जब भी एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो वो पॉइंट कहां पर लाई कर रहा होगा, उल्टा है, एक्स जीरो तो कहां पर लाई करेगा, वाई एक्सिस पर, वाई जीरो तो कहां पर लाई करेगा, एक्स एक्सिस पर। समझ आ गई बात आपको, ठीक है, ओके। नाउ फिर से माइनस वन और जीरो को लोकेट करिए, माइनस वन और जीरो कैसे करोगे लोकेट? तो आंसर सर ओरिजिन पे खड़े हो जाएंगे सबसे पहले तो जाके, फिर एक्स पे जितना भी आप एड्रेस दोगे वो चलेंगे हम। आपने एड्रेस क्या दिया, माइनस वन, माइनस वन के लिए इधर चलना पड़ेगा, ये लो ये चल लिए, यहाँ आ गए। अब आप मुझे वाई के बारे में बताओ, वाई कितना चलूँ, तो आपने कहा जीरो चलो, मतलब कि मत चलो, मत चलो यानी कि यहीं पर रह गया मैं। तो ये वाला जो पॉइंट है ये किसको दिखाएगा, माइनस वन एंड जीरो, कहां पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर, या हम इसका आंसर नेगेटिव एक्स एक्सिस भी दे सकते हैं अगर बहुत स्पेसिफिक आंसर देना है तो। क्लियर हो गई ये बात आपको, ठीक है, कर पाओगे अगर इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो, ओके। नाउ अगर मान लो मैं आपको ये बोलूं माइनस टू एंड माइनस थ्री, ये एड्रेस दिया मैंने आपको, ये एड्रेस दिया, या मैं कहूँ ये मैंने आपको कोऑर्डिनेट दिए, तो अब आप कैसे चलोगे, देखना पहले कैसे चलोगे, सबसे पहले ओरिजिन पे खड़े हो जाओगे, ओरिजिन से किधर की तरफ चलोगे, माइनस टू, और फिर किधर की तरफ चलोगे, माइनस थ्री। आपने कहा वाई पर कितना चलो, माइनस थ्री, तो मैं माइनस थ्री के सामने तक आ जाऊंगा, ठीक है। तो ये माइनस थ्री और ये मिलकर ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट किसको शो कर रहा होगा, आंसर है माइनस टू एंड माइनस थ्री। ये पॉइंट क्या दिखाती है, ये लाइन क्या दिखाती है, ध्यान से सुनना, ये डिस्टेंस बता सकते हो कितनी है, तो आंसर सर माइनस टू, कितनी है, ये डिस्टेंस जो है वो एक्स की डिस्टेंस दिखाता है कि एक्स पर हम कितना चले हैं, या मैं कहूँ वाई एक्सिस से ये लोकेशन कितनी दूर है, वाई एक्सिस से कितनी दूर है, और ये वाला जो वैल्यू है ये कितनी है, माइनस थ्री, तो ये एक्स एक्सिस से कितना दूर है ये दिखाता है। समझ आ गई बात आपको, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। ये वाला जो माइनस थ्री जो पॉइंट है ये क्या दिखाता है, कि जो लोकेशन है वो कहाँ से दूर है, एक्स एक्सिस से कितना दूर है, ठीक है। और ये वाला पॉइंट क्या दिखाता है,
कि वो जो लोकेशन है वो वाई एक्सिस से कितना दूर है, ये बात ध्यान रखना आपको, ठीक। तो एक ही चीज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ध्यान दो। मैं एक कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं बोर्ड पर, देखो इधर दो, देखो ध्यान से, 2 and 5। अब इसमें ये मैंने बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, कौन बच्चा बताएगा? तो मैंने क्या लिखा हुआ है बोर्ड पर, ये कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है, क्लियर। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए कि इस वाले कोऑर्डिनेट का एप्सिसा क्या है? एप्सिसा यानी एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले कोऑर्डिनेट का, आप बताइए ऑर्डिनेट कितना है? ऑर्डिनेट, ओके, आपने बता दिया कितना? 5। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आंसर है दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों पॉजिटिव हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हो गई बात? ठीक, अब एक और बात ध्यान से सुनो, मैं अगर आपसे पूछूं कि यहां पर आपको बताना है इस कोऑर्डिनेट को देखकर कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितनी है, कितनी है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है? 5। अगर मैं इसको लोकेट करूंगा इस पॉइंट को, तो मैं पहले कितना चलूंगा? तो आंसर है सर पहले आप चलोगे कितना? 2। कितना चलोगे? 2 चलोगे। 2 ये जो हम चल रहे हैं ये कहां से चल रहे हैं, देख रहे हो आप, वाई एक्सिस से चल रहे हैं, कितना? 2 है ना, तो यहां पर वाई एक्सिस से 2 चल रही है, ठीक है, तो 2 डिस्टेंस चले, फिर इसके बाद हम कितनी चलेंगे? 5। तो बेसिकली ये वाली जो डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस आपस में इक्वल ही तो होंगे, और ये वाला जो पॉइंट है ये दिखाएगा किसको? 2 and 5। और इसका हम कुछ नाम भी रख सकते हैं, क्या? ए पॉइंट। तो यहां पर ये 2 है और ये कितना है? 5। तो ये जो 2 है ये क्या है? तो आंसर है इस पॉइंट ए की वाई एक्सिस से डिस्टेंस, पॉइंट ए की वाई एक्सिस से डिस्टेंस। और ये जो 5 है ये क्या है? तो आंसर है पॉइंट ए की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस। समझ आ रही है बात आपको? ओके, सो व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, आंसर इज 2। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपसे वो पूछ सकता है एक कोऑर्डिनेट देकर, और इसको लोकेट करने के लिए भी बोल सकता है, तो लोकेट करना हो तो इस तरह से लोकेट हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको? ओके, तो अगर आपको इतनी बात समझ में आती है तो फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूँ इसकी एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले चैप्टर में 2 एक्सरसाइजें हैं, पहली है एक्सरसाइज 3.1 और एक है एक्सरसाइज 3.2। अभी अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो उस पर बेस्ड एक्सरसाइज 3.2 आपको गिवन है, पहले हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ओके, क्या है एक्सरसाइज 3.2 में? क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे पूछा गया है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन? क्या पूछ रहा है? नेम द हॉरिजॉन्टल लाइन, बताइए आपने क्या नाम दिया है उसका? एक्स ओ एक्स डैश। क्या नाम दिया है? एक्स ओ एक्स डैश, और इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसका क्या है? एक्स एक्सिस, क्लियर। और उसने वर्टिकल लाइन के बारे में पूछा, वाई वर्टिकल लाइन का क्या नाम है? वाई ओ वाई डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका नाम एक्चुअल में हम लोगों ने क्या रखा है? वाई एक्सिस। This is the answer of first part. Okay, आसानी से दे पाए, कर पाओगे? अब second part में वो पूछ रहा है, what is the name of each part of the plane formed by these two lines? जब ये दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो चार पार्ट बनकर तैयार हो जाते हैं उनका क्या नाम होता है? क्या नाम है? Quadrant. ठीक है, आसान है। थर्ड पार्ट, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट, एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? ओरिजिन पर, तो इसका नाम भी आसान है। अब आप देखो, आपने ये तीनों चीजें पढ़ ली ना, सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया
जब हमने डिस्कस किया तो आज हमने सबसे पहले देखो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हमने आप यहाँ पर डिस्कस कर लिया, वर्टिकल का भी डिस्कस कर लिया और ऑरिजिन भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि ये दोनों लाइनें एक साथ रखी जाती हैं तो जो पार्ट में डिवाइड होता है ये प्लेन, उनका क्या नाम होता है? क्वाड्रेंट। आसान है बिल्कुल। देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 3.2 में, उसमें इस तरह का कोई एक फिगर गिवन है और उस फिगर से हमें कुछ आंसर्स लिखने हैं, ठीक है? तो आप इस फिगर को देखते जाओगे और मैं यहाँ पर आंसर भी नोट करता जाऊँगा। ओके, देखिए फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, उसने कि इस फिगर को देखो, राइट द फॉलोइंग, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी, इधर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, बी पॉइंट कहाँ है? ये देखो, ये बी पॉइंट है। अब बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखने का मतलब हमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों लिखने हैं, मतलब हमें एक्स वी की वैल्यू भी लिखनी है, वाई की भी लिखनी है। पहले हमें एक्स की वैल्यू लिखनी है, तो अब बी पॉइंट जो है वो एक्स पर कितना है, कितना चले हम बताओ, -5, ये लिख लिया। और वाई पर कितना चले हैं, 2, तो यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है? तो बी के कोऑर्डिनेट निकल गए, क्या क्या हैं, -5 and 2, ये आसान है, यस। इसके बाद सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी। देखिए ध्यान दीजिए, पॉइंट सी ये है, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट लिखने के लिए पहले हमें बताना पड़ेगा एक्स की क्या वैल्यू है, ठीक है? तो एक्स पर अगर हम देखें तो कितना मिल रहा है हमें, 5, और फिर इसके बाद वाई पर देखो, ये वाई पर कितना है, ये -5। ये वाला जो पॉइंट है ना, एक्स की वैल्यू यहाँ से परपेंडिकुलर डाल लो तो ये मिल जाती है और वाई की वैल्यू यहाँ से मिल जाती है, कितनी है, -5। सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 5 and -5। इसके बाद बच्चों थर्ड पार्ट को देखिए, द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट -3 and -5। -3 कहाँ है, ये, ठीक है? और -3 से फिर हमें किधर जाना है, वाई पर -5, तो वो कौन सा पॉइंट है, ई, -3 and -5, तो इस पॉइंट का नाम है ई। आसान है। नेक्स्ट, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 and -4। 2 and -4, देखो ध्यान दो, एक्स की वैल्यू कितनी, 2, और फिर वाई की वैल्यू -4, तो यानी कि जी पॉइंट जो है वो किसको दिखा रहा है, 2 and -4, तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर कितना आएगा, जी पॉइंट है जो 2 और -4 को दिखा रहा है। आसान है। इसके बाद नेक्स्ट, द एप्सिसा ऑफ पॉइंट डी, ध्यान दो, पहले तो पॉइंट डी लिख लो, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट क्या हैं? तो पॉइंट डी में एक्स पर कितना है, ये 6, वाई पर कितना है, 2। अब इसमें से ये एक्स होगा और ये वाई, तो हम इससे तो एप्सिसा पूछा है, तो एप्सिसा का आंसर सिर्फ देंगे हम कितना, 6। आसान है। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच पॉइंट देखो यहां पर मिला मुझे, ये जो एच पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट लिखो पहले, तो पॉइंट एच एक्स पर कितना है, वाई पर कितना है, -3, और उसने क्या पूछा है, ऑर्डिनेट, ये पहला वाला एक्स को दिखाएगा, दूसरा वाला वाई, और वाई जो होता है वही हमारा ऑर्डिनेट होता है, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट का आंसर आएगा -3। बहुत आसान है ये तो, ठीक है? इसके बाद आगे, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, पॉइंट एल देखिए ध्यान से, पॉइंट एल यहां पर लाई कर रहा है, पॉइंट एल से एक्स पर जाइए, पहले एक्स एक्सिस वाली लाइन पर, पॉइंट एल से एक्स पर जाओगे तो कितना मिला आपको, 0। पॉइंट एल से अगर एक्स एक्सिस पर देखो कितना है, 0, और वाई एक्सिस पर कितना है, 5, यहां से 5 चले हैं, ठीक है? तो कोई भी पॉइंट अगर वाई एक्सिस पर लाई कर रहा हो, ध्यान रखना उसमें एक्स की वैल्यू कितनी होती है, 0, और जहां पर भी वो लाई कर रहा है वो वैल्यू आपकी वाई की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है? तो नेक्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 0 and 5। ओके, इसके बाद एट्थ वाला पार्ट और लास्ट पार्ट, इसमें
क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, देखो ध्यान दो। अब ये जो पॉइंट है ना M, ये पॉइंट M एक्सिस पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर। तो यहां पर M की वैल्यू कितनी है? माइनस थ्री। अब ये ऊपर और नीचे तो गए ही नहीं हम, तो यहां पर Y की वैल्यू कितनी होगी? या आप सीधा याद रख सकते हो कि कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो वहां वाई की वैल्यू जीरो होगी। तो ये जो पॉइंट है एम पॉइंट माइनस थ्री कॉमा जीरो, और ये था कौन सा वाला? एल। ठीक है, इस तरह से आप किसी का भी नाम बता सकते हो। तो कोऑर्डिनेट बता दोगे, ऑर्डिनेट भी समझ गए, एब्सिसा भी समझ गए और एक्सिस वाला भी समझ गए। ठीक, ये आपका हो गया एक्सरसाइज 3.2 जो बेसिकली आपको क्वेश्चन करने थे। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज 3.1 की। एक्सरसाइज 3.1 जो है वो बेसिकली एक्टिविटी बेस्ड आपको एक एक्सरसाइज बनाई गई है। इसमें आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें आपको लोकेट करनी है एक टेबल लैंप की पोजीशन। मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ के बता देता हूँ कि क्वेश्चन में उसने बोला क्या क्या है उसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, How will you describe the position of a table lamp on your study table to another person? तो देखो बच्चों, ये मान लो आपके पास एग्जाम्पल के लिए मान लो ये आपकी टेबल है, स्टडी टेबल जो आपके घर पर है। ठीक है, ये टेबल है। ओके, अब इस टेबल पर मान लीजिए आप यहां पर कहीं पर एक टेबल लैंप रखी हुई है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, इसकी पोजीशन लोकेट करनी है, बतानी है किसी दूसरे पर्सन को। तो वो कैसे बताओगे? देखो, तो उसका तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, ये वाली जो टेबल की ये वाली जो सरफेस है, मेरे लिए ये वाली सरफेस कैसी है? हॉरिजॉन्टल। तो मैं इसको क्या मान लूंगा? एक्स एक्सिस। क्या मानूंगा? एक्स एक्सिस मान लूंगा इसको, ये मेरे लिए एक्स एक्सिस हो जाएगी। ठीक है, और ये वाली जो सरफेस है इसको क्या मान लूंगा? वाई एक्सिस। और ये मेरे लिए, ये वाला कॉर्नर इस टेबल का क्या हो जाएगा? ओरिजिन। ठीक है, अब मैं यहां पर क्या करूंगा, नंबर प्लॉट कर लूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। इसी तरह से यहां पर नंबर प्लॉट कर लिए, 1, 2 और सपोज करो यहां पर कहीं लिख लेता हूं 3 और 4। ओके, नाउ We have to tell what is the location of table lamp. तो बड़े आसानी से बता पाएंगे हम कैसे। पहले तो मुझे ये देखना है कि ये जो टेबल लैंप है ये वाई एक्सिस से कितनी दूर है। तो वाई एक्सिस से जब मैं ऐसे लेकर जाऊंगा एक परपेंडिकुलर, तो ये मुझे मिलेगा कितना डिस्टेंस चल गया मैं, ये 4। तो यानी कि 4 है। ठीक है, और फिर मुझे ये देखना है कि एक्स एक्सिस से कितनी दूर है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है? 3। तो ये y का कोऑर्डिनेट हो गया, y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस टेबल लैंप के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इनका कोई नाम भी रख सकते हो, टेबल लैंप के लिए मैं t लिख देता हूँ। कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 4 और 3। समझ आ गई बात आपको? ठीक है, ओके, इस तरह से करोगे। तो पहले आपको x पर चलना होता है 4, और फिर आपको y पर चलना है। ठीक है, उसके फिर कोऑर्डिनेट लिख दिया। तो ऐसे टेबल लैंप की क्या, आप कोई भी पोजीशन बता सकते हो। मान लो हम लोग सब डिनर करने के लिए गए हुए हैं, और हम लोग सब कहाँ पर बैठे हुए हैं? डिनर टेबल पर, डाइनिंग टेबल पर। अब वहाँ पर एक मग रखा हुआ है, मैंने आपको बोला कि मग पास करो। ठीक है, और मान लो फिर आपको मग के कोऑर्डिनेट्स भी मैंने आपको बताने के लिए बोला कि बताओ कहाँ पर रखा है मग, तो आप कैसे बताओगे? तो आंसर है, जो भी आपकी पोजीशन है उसको क्या मान लोगे? पोजीशन। कौन सी वाली पोजीशन? अब ध्यान रखना यहाँ पर, अगर आप मान लो यहाँ पर सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो अगर कोई यहाँ बैठा हुआ है तो वो पोजीशन को कैसे बताएगा? तो आंसर है कि अगर वो यहाँ बैठा हुआ है तब वो सिर्फ कौन सी पोजीशन को बताएगा? ये? नो, ये नहीं बताएगा। अगर सिर्फ ये बताएगा तो बात नहीं बनेगी, ध्यान रखना, उसको दोनों बताना पड़ेगा। क्योंकि वो किस पर्सन को बता रहा है? इसको। तो वो क्या बोलेगा कि मग कहाँ रखा हुआ है? तो वो कहेगा आपसे रखा हुआ है कितनी दूर? 4। और मेरे से रखा हुआ है कितना? 3। तो आपको लोकेशन पता चल जाएगी। समझ आ रही बात आपको? तो किसी भी चीज़ की आप लोकेशन बता सकते हो इस तरह से। एक स्ट्रीट प्लान बनाना है,
अ सिटी हैज टू मेन रोड्स विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी. दीज टू रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन. देखिए, दो रोड बनाने हैं. ये मान लो एक सिटी है, ठीक है. ये प्लेन क्या है, एक सिटी, और इस सिटी में दो रोड बनाने हैं. एक रोड तो ये है जो कि किसको दिखाता है, जो कि किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ साउथ. और एक रोड ये है, मान लीजिए ये, ठीक है. इसकी डायरेक्शन क्या है, ईस्ट वेस्ट. ओके, यहाँ तक बात आ गई समझ में. इस सिटी के एक रोड ये जा रहा है, एक रोड ये जा रहा है. ओके, ये दोनों रोड एक दूसरे को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं. नाउ ये जहाँ क्रॉस कर रहे हैं वो सेंटर है उस सिटी का, ठीक है. तो उसका नाम मैं ओ रख देता हूँ. उसने बोला है सिटी का ये क्या है, सेंटर, जहाँ से दो रोड क्रॉस कर रहे हैं. अब आगे वो क्वेश्चन में कह रहा है, ऑल द स्ट्रीट, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट. देर आर फाइव स्ट्रीट इन ईच डायरेक्शन. हर एक डायरेक्शन में क्या हैं, फाइव स्ट्रीट हैं. तो मतलब कि फाइव स्ट्रीट तो इस डायरेक्शन के, इस वाले रोड के पैरेलल चल रही हैं, और फाइव स्ट्रीट इसके पैरेलल चल रही हैं. तो मैं फाइव स्ट्रीट बना रहा हूँ, देखो ध्यान से. इसके पैरेलल फाइव स्ट्रीट, स्ट्रीट नंबर वन ये बना दी, ठीक है. स्ट्रीट नंबर टू ये बना दी, स्ट्रीट नंबर थ्री ये बना दी, स्ट्रीट नंबर फोर ये बना दी, स्ट्रीट नंबर फाइव ये बन गई, ठीक. इन स्ट्रीट का मैं नाम भी रख देता हूँ. ये है मेरे लिए स्ट्रीट नंबर वन, ठीक है. ये है कौन सी, स्ट्रीट नंबर टू. दिस इज स्ट्रीट नंबर थ्री. दिस इज स्ट्रीट नंबर फोर. दिस इज स्ट्रीट नंबर फाइव इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वेस्ट. ओके, ये बन गया. ओके, ये हो गई हमारे पास फाइव स्ट्रीट. नाउ अब इसके पैरेलल भी हमें स्ट्रीट बनानी है, कितनी, फाइव, ठीक. तो मैं फाइव स्ट्रीट बना रहा हूँ, देखो ध्यान से. एक स्ट्रीट मैंने ये बना दी, एक स्ट्रीट मैंने ये बना दी, कितनी हो गई, दो. फिर एक और बना दी, ये लो थ्री स्ट्रीट, और इसके पैरेलल एक और बना दी, ये लो फोर, और इसके पैरेलल एक और बना दी, फाइव. टोटल फाइव स्ट्रीट हो गई इधर. किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ. ओके, इसमें भी हम नाम रख देते हैं, ठीक है. क्या नाम रखोगे, ये है हमारे लिए स्ट्रीट नंबर वन, स्ट्रीट नंबर टू, स्ट्रीट नंबर थ्री, स्ट्रीट नंबर फोर, स्ट्रीट नंबर फाइव. ओके, नाउ ये जो मैंने यहाँ पर जो दोनों स्ट्रीट के बीच की जो एक डिस्टेंस ली है, वो उसने बोला हुआ है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर. तो ये सब कितनी कितनी डिस्टेंस पर हैं, 200 मीटर पर हैं, ठीक है. और ये बात ध्यान रखना, आगे उसने क्वेश्चन में ये भी पूछा है आपसे, कुछ क्वेश्चन भी हैं. देर आर मैनी क्रॉस स्ट्रीट इन योर मॉडल. यस, बहुत सारी यहाँ पर देखो कितने क्रॉस हो रहे हैं, बहुत सारी जगह पर क्रॉस हो रहे हैं. देखो ध्यान से, दिख रहा है आपको क्रॉस हो रहे हैं. देखो ये भी एक क्रॉस है, ये भी एक क्रॉस है, ये सब क्या हैं. यहाँ पर ये दोनों स्ट्रीट एक दूसरे को क्या कर रही हैं, क्रॉस कर रही हैं. लेकिन हर एक क्रॉस का अपना एक नाम है. मतलब ये कि ये जो स्ट्रीट है, ये स्ट्रीट नंबर कौन सी है, वन, ठीक है. और ये वाली स्ट्रीट कौन सी है, वन. तो इस क्रॉस का एक नाम हो गया, क्या, वन वन. समझ आ गई बात. अब मान लो एक रैंडम कोई क्रॉस उठाया मैंने, मान लो ये, तो इस क्रॉस का भी एक नाम है. कैसे, इस क्रॉस का नाम है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप देखोगे तो ये कौन सी है, स्ट्रीट नंबर फोर, ठीक. और इसके बाद ऐसे देखोगे तो ये स्ट्रीट नंबर कौन सी है, थ्री. तो पहले मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, थ्री, और फिर क्या, फोर.
ठीक, क्योंकि x पर ये वाली जो स्ट्रीट है ये कौन सा नंबर है बोलो, 3। तो x पर ये 3 नंबर पहले आएगा। और अच्छा चाहो तो आप इनके नाम इस तरह से भी यहाँ लिख लो जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना रहे, 1, 2, 3 और ये कौन सा नंबर है, 5। ठीक है, इसी तरह से इनको लिख लो, 1, 2, 3, 4 और 5। तो अगर आप इस पॉइंट को देखोगे तो ये पॉइंट x पर कितनी वैल्यू रखता है, 3, और y पर कितना, 4। तो हर एक क्रॉस का अपना एक नाम है। ओके, उसने कहा है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट्स कैन बी रेफर्ड टू एज 4-3। 4-3 को मुझे रिप्रेजेंट करना है, कैसे करोगे, देखो 4-3 स्ट्रीट, 4-3 का मतलब हो गया कि यहाँ पर ये वाली जो वर्टिकल वाली जो स्ट्रीट बनाई है हमने नॉर्थ साउथ के पैरेलल, उस पर 4 नंबर है ना, और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाई है उसके लिए 3 नंबर। तो 4 नंबर ये हो गया और फिर 3 यहाँ पर आ जाएगा। ये वाला जो क्रॉस होगा ये किसको दिखाएगा बोलो, 4 और 3 को। तो कितनी स्ट्रीट हैं ऐसी, 1 सिंगल, ठीक। और उसने बोला 3-4 को दिखाओ, वो मैंने आपको करके दिखाई दिया, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, ये वाला वो क्रॉस रहा होगा। ऐसे ही और वो जितने चाहे उतने क्रॉस मुझसे पूछ सकता था। जैसे मान लो उसने पूछा, मान लो 2-5, तो 2-5 के लिए कैसे दिखाओगे, कौन सी क्रॉस का नाम 2-5 होगा, तो x पर 2 सेकेंड नंबर की जो गली है, ठीक है, सेकेंड नंबर की जो स्ट्रीट है उसमें क्रॉस कौन से वाले से, 5th नंबर वाली स्ट्रीट से करवाना है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये रहा होगा 2-5। तो ये स्ट्रीट प्लान बड़े आसानी से आप बना सकते हो, ठीक है। क्या किया हमने, एक सिटी में 2 रोड बनाए, इस वाले रोड के पैरेलल 5 स्ट्रीट बनाई, इस वाले रोड के पैरेलल 5 स्ट्रीट बनाई, और हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पर क्रॉस हो रहा है। देखो कितने सारे हैं, 1-2 ऐसे गिनोगे तो बहुत सारे क्रॉस हैं। हर एक क्रॉस का अपना एक एड्रेस है, अपने एक कोऑर्डिनेट रखता है वो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो किसी को ये वाला एड्रेस बताना है 3-4, तो हम क्या कहेंगे, आप हम कहेंगे कि आप नॉर्थ साउथ के अलोंग जो 3rd नंबर की स्ट्रीट है उसमें जाइए, और उसके बाद ईस्ट वेस्ट के अलोंग जो 4th नंबर की स्ट्रीट है ये उसका एड्रेस है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोकेट कर लोगे, कर पाओगे। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ।